नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, वहीं आज रविवार को भी सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मठ में पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में फरियादियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। साथ ही सीएम मोतीराम अड्डा में विशाल वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे। यह वेयर हाउस करीब 1.23 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। वेयर हाउस की परियोजनाओं में 30 करोड़ का निवेश हुआ है। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं वेयर हाउस का निर्माण मेसर श्री एसोसिएटिव के द्वारा करवाया गया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीते दिनों में हुई अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या मामले में मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद उर्फ पप्पू के साथ साथ फरार चल रहे इस्माइल बेग उर्फ प्रिंस पर जिला प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा है। जहां हत्याकांड के बाद सही पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे सिराज अहमद और इस्माइल पर पुलिस ने 50,000 का बेनाम भी घोषित किया है। और आज पुलिस ने भगौड़ा साबित करते हुए इस घर पर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर मोहल्ले में मुनादी कराई है। साथ ही अतिक्रमण की चपेट में घर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से गिराया भी गया है। तो देखिए, खबर सुल्तानपुर से है, जहां हिस्ट्री शीटर के घर पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। और यह पूरी कार्रवाई अधिवक्ता के हत्या के बाद ली गई है, जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया, जहां धारा 82 के तहत ये कार्रवाई की गई है। साथ ही अब जो हिस्ट्री शीटर है उसके घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया। दरअसल जो हिस्ट्री शीटर है उसके घर का कुछ हिस्सा अवैध अतिक्रमण की जद में आ रहा था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उसके घर का कुछ हिस्से को ढा दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीते दिनों क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह यह घटना को लेकर जिस तरह गंभीर एक मामला हो गया है, अभी कल की डेट में जो है हत्या आरोपी के घर पे जाके जो है एक बुलडोजर चलवाना, उनको चेतावनी देना, नोटिस चुपकाना, ये वाकई बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह मोहलत दी जा रही है, मोहलत के अंदर जो है अगर उसको नहीं पकड़ा जाता है, नहीं गिरफ्तारी होती है, तो वहाँ पे जानकारी के मुताबिक जो निकल के आ रहा है एनकाउंटर भी हो सकता है, या हो सकता है और भी बड़ी कोई कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन एक जिस तरह ये अपराधी दिन दहाड़े वारदात को करने के बाद वांछित होकर जो है पुलिस की नजर से दूर भाग रहा है, वो सबसे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन देखिए आशुतोष, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आरोपी तो गिरफ्त से बाहर है ना, उसको पकड़ने के लिए क्या कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह जो है आए दिन कोई ना कोई मामला, जैसे अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन या अधिवक्ताओं द्वारा जो है जिला स्तरीय ज्ञापन लेना, पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उसी के साथ जो है लगातार जो है जानकारी ये भी सुनने में आ रहा है, हत्यारे के पीछे जो है एसटीएफ वाले को भी लगा दिया गया है। लेकिन अगर एसटीएफ को भी नजर से भी अगर दूर रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी चटौनी के साथ जो है इंकाउंटर भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है इसको लेकर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश पाल की हत्या में फरार चल रहा 5 लाख का इनामी शूटर मोहम्मद साबिर भी अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और बम्बाज गुड्डो मुस्लिम पहले से ही भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं। तो वहीं शनिवार की शाम को मड़िया डी स्थित साबिर के घर पर धूमनगंज पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। अतीक गैंग के शूटर साबिर के मोहल्ले में पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर मुनादी भी कराई। वहीं इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्य ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में साबिर 5 लाख रुपए का इनामी है, उसको पनाह देने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वही हरियाणा के नूह में बीते दिन सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अब मामला गरमाता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। नूह हिंसा में पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर अब लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर अलीगढ़ के सपा के पूर्व विधायक के द्वारा भाजपा पर कड़ा प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा के बीच कुछ लोगों के द्वारा हथियार भी चलाए गए थे, जिनके गले में भगवा रंग का पट्टा पड़ा हुआ था। ऐसे लोगों का भाजपा के पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपाइयों के द्वारा जो गलत कृत्य किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार उनका सम्मान करे तो ज्यादा बेहतर होगा।
जुनेद को जला के मार दिया गया, उस पर कब चला बिल्डोजर? मौलाना इमाम साहब को मार दिया, उस पर नहीं चला बिल्डोजर? सिर्फ बिल्डोजर बना है मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, अगर उनके ऊपर बिल्डोजर नहीं चला सकते तो सरकार उनको सम्मानित करे, इन गुंडों को, ताकि मालूम पड़ जाए दुनिया को कि हो क्या रहा है हरियाणा के अंदर। बिल्कुल भी सहमत नहीं है, एक तरफा कार्रवाई है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसे हालात रहे तो लोग ऐसा ना हो कि नू बनाने के लिए और भी जगह खड़े। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक 30 वर्षीय महिला ने अपने ही ससुर सुशील त्यागी पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है और शासन प्रशासन को शिकायत देने के बाद भी ये बात कही है कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस के इस रवैये को देखते हुए कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना नंदग्राम स्थित सिहानी गांव में एक 30 वर्षीय महिला की शादी तकरीबन 10 साल पहले सिहानी गांव के रहने वाले सुमित त्यागी के साथ हुई थी, जिससे महिला के 2 बच्चे हैं, लेकिन पति लगातार शराब का सेवन करता रहता है, जिसके कारण ससुराल वालों ने उसको नशा मुक्ति सेंटर में भर्ती कराया है। और अब पीड़ित की पत्नी लगातार यह आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि उसके ससुर ने कई बार उसका बलात्कार किया है। टल्ले रखते हैं जी। और सर इसी चीज का फायदा उठा के ससुर बार बार मेरा रेप करते हैं। सर 2018 से ये सब हुआ। सर 2018 में दिसंबर में मेरी नंद की शादी होने वाली थी। यही सब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, क्योंकि घर में उस टाइम पे कुछ ना कुछ फंक्शन था। सर ये 2018 में वो वैसे जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही वो ये अजीब सी हरकतें करते थे। तो सर मुझे पहले तो यही लगता था कि शायद मुझे ही कुछ गलत फहमी है। सर फिर ये 2018 में रात में वो दिसंबर में यहाँ पर आए, मैं इसी रूम में यही ग्राउंड फ्लोर पर थी और ये छोटी बेटी है सर मेरी, तब ये शायद 1-1.5 साल की थी। ये थी सर मेरे पास लेटी हुई, तो इन्होंने यहाँ पर धक्का दिया। जब मैंने गेट खोला तो इन्होंने सर यहाँ पर धक्का दिया और फिर ये कहा कि अगर तू ज़्यादा शोर मचाएगी, किसी को बताने की कोशिश करेगी तो मैं तेरी बेटियों को तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। और तेरा पति तो वैसे भी शराब पीता है और घर से सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। पापा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं और मैं मम्मी मेरी मेंटली डिस्टर्ब है। आपके ससुर साहब का क्या नाम है? सर सुशील। खबर कानपुर से है, जहां परमट मंदिर के बैरियर पर शराब के नशे में ड्यूटी के दौरान सिपाही लोगों से अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा था। इस दौरान मंदिर दर्शन करने जा रहे बीजेपी विधायक अरुण पाठक की नजर शराबी सिपाही पर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। विधायक ने सिपाही को पकड़ लिया और फोन करते हुए आला अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी है। इसके बाद विधायक ने ग्वालटोले पुलिस को बुलाकर सिपाही का मेडिकल कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं पकड़े जाने पर सिपाही विधायक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और दोबारा कभी भी शराब नहीं पीने की बात कही, लेकिन विधायक ने उसकी एक भी नहीं सुनी और तत्काल अधिकारियों से सिपाही पर कार्रवाई करने को भी कहा है। तो वही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली रोड नया मुरादाबाद योजना स्थित ग्रीन ऑर्चर्ड सोसाइटी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा ग्रीन ऑर्चर्ड सोसाइटी पर मानकों की अनदेखी के चलते 1,98,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर मौजूद रहे वही प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि ग्रीन ऑर्चर्ड सोसाइटी द्वारा मानकों की अनदेखी की गई है, जिसको लेकर ग्रीन ऑर्चर्ड सोसाइटी पर मानकों की अनदेखी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 1,98,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उपाध्यक्ष प्राधिकरण शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि सोसाइटी के ओनर द्वारा मनमानी की गई है, इसलिए उन पर कार्रवाई बनती है। हाउसिंग के भूखंड में ग्रीन ऑर्चर्ड नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है। उनके यहाँ पर शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच कराई गई। उसमें ये पाया गया कि उक्त बिल्डर के द्वारा अपनी जो मानचित्र पास कराया गया है उससे अधिक निर्माण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच कराई गई और उस पर जो है शमनीय भाग को शमन हेतु और उसके अलावा जो अशमनीय भाग है उसको उन्हीं के द्वारा तोड़े जाने हेतु उनको नोटिस जारी किया गया है। जो शमनी भाग है उसके शमन के लिए कुल 1,98,00,000 रुपए की नोटिस इनको जारी की गई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के आईटीआई इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर धन परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।
पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसको जबरन ईसाई बनने का दबाव बना रही है, जबकि उसकी पत्नी पहले से ही ईसाई धर्म को अपना चुकी है। पति का आरोप है कि ईसाई धर्म अपना चुकी उसकी पत्नी घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी फेंकती है। जब वो देवी देवताओं की मूर्तियों को फेंकने का विरोध करता है तो इस विरोध पर ईसाई धर्म नहीं अपनाने के चलते उसकी पत्नी उसके साथ मारपीट भी करती है। पति का जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने की सूचना पर करनी सेना के लोग पीड़ित पति के साथ थाने पहुंचे और उसकी पत्नी के खिलाफ धर्म परिवर्तन के इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दी है। वही मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा होने के चलते पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल और तफ्तीश में जुटी हुई है और ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र का है। उनकी पत्नी और बच्चों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये भी ईसाई धर्म को स्वीकार करें, लेकिन इनका उद्देश्य है अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ के जाना। उसी क्रम में इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी 22 तारीख को पिछले महीने, और आज 12 तारीख हुई, 20 दिन में पुलिस ने जो है धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर कतई गंभीरता नहीं दिखाई और इसको लापरवाही के बस्ते में डाल दिया गया। अब क्या सोचना? अभी CO साहब से हमने मुलाकात की है, पीड़ित को लेकर हम लोग मिले हैं, तो उनका कहना यह है कि हम इसकी जाँच करा रहे हैं और जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, इनके 4 बच्चे बताए जाते हैं। सबका धर्मांतरण करा लिया? दो बच्चों का धर्मांतरण हुआ, दो बच्चों का और पत्नी का, जिसमें कि मेरी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वो मुझे आए दिन परेशान करती है और मुझे अपने मेरे ही घर में नहीं रहने देती है। मेरे घर पे मेरी मूर्ति जो मेरे पूज्य हैं उनकी सबकी मूर्तियाँ सब हटा दी हैं। मैं घर पर प्रसाद लेके जाता हूँ, उसे भी फेंक दिया जाता है। मेरे साथ फिर उल्टी मारपीट करके मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिखाया जाता है। और मेरे यदि पूजा के जैसे कलावा धागा बांध दिया जाता है, उसे भी काट दिया जाता है। क्या कहती हैं? क्या आप भी धर्म अपना लो, ईसाई धर्म? क्या पढ़वाती? मेरे से भी बाइबल पढ़ाने के लिए जोड़ देती हैं। जांच करने पर पता चला कि ये पति पत्नी के बीच आपसी विवाद है। इनकी शादी को 28 वर्ष हो चुके हैं। पत्नी पति पर मारपीट का आरोप लगाती है तथा पति पत्नी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहा है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। परिवार परामर्श केंद्र से वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।